यार रायगढ़ में मतलब चलना शुरू हो गया है गाड़ी वाड़ी, मतलब घूमना फिरना सुबह मॉर्निंग में। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। ठीक है, दिस इज विनय, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो, आज रायगढ़ का सफर है यार, तो देखते हैं कि रायगढ़ में क्या क्या हो रहा है। तो रायगढ़ जाना था, तो चलो आज का ब्लॉग रायगढ़ के नाम पे, तो रायगढ़ चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रायगढ़ में क्या क्या चल रहा है फिलहाल। बहुत दिनों बाद अपने KTM बाइक को भी नहीं चलाए हैं, तो जाके घूम के आते हैं कि हमारा बाइक भी कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे हवा नहीं है, डलवाना पड़ेगा। चलो तो चलो हमारी बाइक की सवारी करते हैं। फिलहाल इसमें हवा बहुत कम है पीछे में, और यहाँ पे ये निकल गया है पीछे का गार्ड, तो इसमें गंदा हो सकता है। हमारा मैचिंग सही है। चलो हो सके तो रास्ता दिखाते हैं और रायगढ़ में क्या हो रहा है शायद तक देख के आते हैं। ठीक है, 1 घंटे का रास्ता होना चाहिए, और 1 घंटा आने में, मतलब 2 घंटे का रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। चलो फिर रायगढ़ में जाना था, रायगढ़ में कुछ कुछ काम है तो देख के आते हैं। अपना जो काम है वो थोड़ा सा पहुँचते हैं, ये रहा गरगोड़ा। यहाँ भी बाइक बाइक की चेन टाइट करा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में। तो ये है रायगढ़ का रोड बॉस। रायगढ़ पहुँचने के बाद मतलब खाली खाली है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रहा। बाकी रायगढ़ पहुँचोगे तो यहाँ मार्केट लगा है, यहाँ पे सब्जी मार्केट के लिए अलग से जगह दे दिया है। ये है स्कूल, और सामने में है रेलवे स्टेशन रायगढ़ का, जो कि यहाँ भी लोग खोल चुके हैं शॉप वगैरह। बाकी आपको नाश्ता वास्ता करने का सामान ज़्यादा नहीं मिलेगा, शॉप नहीं है यहाँ पे, बाकी ठीक है। तो देखो रेलवे स्टेशन यहाँ पे, ये भी खाली खाली है, अंदर में कुछ लोग हैं। मतलब कि अगर आप कहीं पे जाते हो आते हो तो आपको चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही आप ट्रेन में बैठ सकते हो। मतलब ट्रेन चालू हो गई है, बट यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, ऑटो भी खड़ी नहीं है, बस लोग बाइक वाले आसपास आ जा रहे हैं। आप जा सकते हो ट्रेन से भी। रायगढ़ में मतलब चलना शुरू हो गया है गाड़ी वाड़ी, मतलब घूमना फिरना सुबह मॉर्निंग में। तो शायद शॉपिंग कर रहे हैं कुछ कुछ लेने वाने के लिए, तो उतना अभी छूट दे दिया गया लगता है। बाकी दोपहर को क्या होता है नहीं पता। बाकी बड़े बड़े शॉप्स बंद हैं, जो कपड़े के हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, सारा बंद है फिलहाल। खाने पीने का, सब्जी मार्केट फिलहाल सुबह सुबह में सारा सब्जी मार्केट ओपन है हर जगह जगह पर। रायगढ़ खुला या नहीं बोलोगे ना, तो रायगढ़ नहीं खुला है यार। मतलब जिसको काम है, जितने लोग को ट्रक वगैरह आना जाना, कुछ को सामान लेना, सिर्फ उन्हीं लोग का आना जाना हो रहा है। बाकी घूमने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एग्ज़ाम्स भी होंगे ना कॉलेज के, हम लोग के फाइनल वालों का, तो उन लोग का सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिक्कत है कि मेरे को घर से आना पड़ेगा यहाँ तक। रायगढ़ में कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम लिखने आएंगे, क्योंकि हमारे फाइनल वालों को धोखा दिया गया है, एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, बाकी लोग को पास कर दिया गया। चीटिंग है ये, हमारे साथ भी मतलब न्याय होना चाहिए था। चलो यहाँ से अब निकलना है घर, और थोड़ा बाल कटा लेंगे रास्ते में। रामनिवास टॉकीज ये तो बंद है, अपने को यहाँ काम था। ये फोन के लिए था मिनी ट्राईपोड होल्डर कैमरा और फ़ोन के लिए, ताकि ब्लॉगिंग करें या फिर कैमरा रखें तो काम आ जाएगा। चलो ठीक है, तो चलो ये पड़ा है 100 रुपये यहाँ पे रामनिवास टॉकीज के पास। चलो ये कटने वाला है अब, देखो कैसे हालत हो गया है। अब बताओ कैसा लग रहा है न्यू लुक, इससे पहले अलग था, अभी जस्ट पूरा साफ कर दिया। ये भी हटाने वाला था, बट चलो थोड़ा थोड़ा है तो चलेगा शायद। बताओ कैसे लग रहे हैं बॉस ये वाली, बताओ। बहुत सोचा कि बाल कटाते टाइम में, कि कटाने के बाद में ये भी उड़ा दूँ करके, फिर चलो उड़ा दूँ, मैंने बोला, फिर मैंने इसको उड़ा दिया। अब नहीं पता कैसे लग रहा है, आप लोग बताओ कैसे लग रहा है। ये भी उड़ाने वाला था लेकिन बच गया। चलो ये तो यही है फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग। और रायगढ़ में मतलब खुला तो है यार शॉप वगैरह, मतलब लेकिन 12 बजे तक शायद बंद हो जाता है जितने भी मतलब सामान, जैसे कि कपड़ा हुआ या फिर और भी जो शॉप होते हैं, वो शायद धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। और लोगों को भी मना किया गया है कि मत घूमना सुबह, सिर्फ सब्जी उब्जी लेना, जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ उतना लेने के लिए बाहर निकलने के लिए शायद अलाउड है, बाकी सब बढ़िया है। और बोल रहे थे कि 1 जून से लॉकडाउन खोल देंगे करके, पता नहीं। बाकी ट्रेन चालू हो गई है रायगढ़ में, 1-2-4 ट्रेन चल रही है, जिसमें चेकिंग करने के बाद में आपको आने जाने दे सकते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, चेक करने के बाद ही आपको जा सकते हो कहीं भी जाना चाहोगे तो। और क्या बताऊँ, बाकी सब ठीक है। अभी 1 जून से खुलेगा बोले थे, तो देखते हैं। गरगोड़ा एरिया भी मतलब 12 बजे के बाद में बहुत सारी शॉप्स बंद हो जाती थी, लेकिन अभी शायद खुल सकती है, तो वो नहीं पता।
अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगी। सो थैंक यू, चलो वीडियो यहीं तक था, तो लाइक कर दे यार वीडियो को, और इसके लिए बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, ठीक है, चलो बाय बाय। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और